हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्राज वर्ल्ड, यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है मेरी उन सभी महिला मित्रों के लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो घर से बाहर जाकर जॉब नहीं कर पाती एजुकेटेड होने के बाद भी। जैसे कि फैमिली कमिटमेंट हो गया, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, बच्चों की, परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो इन्हीं सभी रीजंस के चलते जो महिलाएं बाहर जाकर जॉब नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए मैं कुछ छोटे छोटे बिजनेस के आइडियाज़ लेकर आई हूँ। हो सकता है आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सभी लेडीज़ के अंदर कुछ ना कुछ गुण तो होते ही हैं, कुछ ना कुछ हुनर तो होता ही है, जिनके चलते वो घर बैठे ही पैसे कमा सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि सभी लेडीज़ को खाना बनाना तो आता ही है। कोई भी ऐसी लेडीज़ नहीं होगी, कोई भी ऐसी लेडी नहीं होगी जिन्हें खाना बनाना ना आता हो। और कुकिंग ऐसा काम है कि सभी लेडीज़ को कुकिंग का बेहद शौक़ होता है, पैशन होता है। तो अगर आप भी कुकिंग का शौक़ रखती हैं, तो आप घर बैठ कर कमाना चाहती हैं, तो आप अपना टिफ़िन सेंटर स्टार्ट कर सकती हैं। क्योंकि आजकल हमारी सबकी सिटीज़ में बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं कोचिंग सेंटर्स में स्टडी करने के लिए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि घर पर आकर स्टडी करने के बाद वो खाना बनाए और खुद से खाएं। तो सभी चाहते हैं कि घर जैसा खाना हमें मिले। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप अपना टिफ़िन सेंटर स्टार्ट कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आपको बेकिंग का शौक है, तो आप केक्स बना सकती हैं बर्थडे पार्टीज़ के लिए। तो ये बहुत से ऐसे कुकिंग से रिलेटेड काम हैं जो आप कर सकती हैं, और कुकिंग क्लासेस स्टार्ट कर सकती हैं। तो अगर आपको कुकिंग का शौक है, तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। साथ ही मैं बात करूंगी कि अगर आप एजुकेटेड हैं, लिखने का शौक़ रखती हैं, तो आप लिखकर भी पैसा घर बैठे कमा सकती हैं। इसके लिए बस आपको क्या करना होगा, आप कुछ भी चाहे लिखती हों, कविताएँ लिखती हों, कहानियाँ लिखती हों, या लघु कथाएँ लिखती हों, या आपको रेसिपीज़ लिखने का शौक़ है, तो आप न्यूज़पेपर्स में कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, मैगजीन्स में कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, और अपनी जो आर्टिकल हैं पब्लिश करवा सकती हैं। और घर बैठे ही आप अच्छा खासा इनकम कर सकती हैं। हर एक आर्टिकल के लिए आपको 250 से लेके 500 तक की पैसा मिलता है। तो आप अगर लिखने का शौक रखती हैं, आप में लिखने का हुनर है, तो आप इस तरीके से भी घर पर बैठकर आर्टिकल लिखकर पब्लिश करवा कर भी घर बैठे कमा सकती हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप घर बैठकर ट्यूशन ले सकती हैं। अगर आप बड़ी क्लास, आपके सब्जेक्ट्स में कमांड है, तो आप बड़ी क्लासेस की ट्यूशन भी ले सकती हैं, और अदरवाइज़ आप छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकती हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लेडीज़ के लिए। घर के काम से फ्री होकर शाम के टाइम में 4 से 6 के टाइम में आप ट्यूशन पढ़ा सकती हैं बच्चों को। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप इनकम तो करती ही हैं, साथ ही साथ आपके बच्चे भी उसी टाइम में और बच्चों के साथ स्टडी भी कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक जरिया है, आप ट्यूशन ले सकती हैं बच्चों की। और अगर आपकी कमांड अच्छी है अपने किसी सब्जेक्ट में बड़ी क्लासेस के लिए, तो आप उनके लिए भी ट्यूशन सेंटर स्टार्ट कर सकती हैं, और अच्छी खासी इनकम आप घर बैठे ही कर सकती है। आपको कहीं बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा, और घर बैठे ही अच्छी खासी आप इनकम कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट रखती हैं, तो आप उसके लिए भी हॉबी क्लासेस अपनी स्टार्ट कर सकती हैं। इसके लिए हमें कुछ इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, हमारे घर में रूम्स तो होते ही हैं। तो किसी भी रूम में आप इसे स्टार्ट कर सकती हैं। बस आपको एक बोर्ड लगाना है और थोड़ी बहुत प्रमोट करना है, अपने आप को खुद से ही प्रमोट करना है। एक छोटा सा बोर्ड बनवाएं आप, या आप आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट रखती हैं, तो खुद ही बोर्ड बना सकती हैं और घर पे लगा सकती हैं। और इसके लिए अगर आप इसे बड़े लेवल पे भी करना चाहें, तो आप पैम्पलेट्स प्रिंट करवा के बंटवा सकती हैं, और अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का जो बिजनेस है, क्लासेस हैं, वो भी आप स्टार्ट कर सकती हैं इजीली। क्योंकि गर्ल्स में तो इंटरेस्ट होता ही है आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, तो आप ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, आप घर बैठे ही कमा सकती हैं। और छुट्टियों में तो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की डिमांड होती है, गर्ल्स
गर्ल्स तो खाली वैसे भी बैठना नहीं चाहती हैं, उन्हें कुछ ना कुछ सीखने का शौक होता ही है। तो आप छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में, विंटर्स में, जो दिसंबर में छुट्टियां होती हैं उनमें इनके 10 डेज 7 डेज के कैंप भी लगा सकती हैं। ऑनली रजिस्ट्रेशन फीस करके भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकती हैं। तो एक जरिया ये भी है, आप इस तरीके से भी घर बैठे कमा सकती हैं। घर बैठे ही एक और काम मैं आपको बताना चाहूँगी, आजकल काफ़ी चल रहा है हैंडमेड ज्वेलरी बनाने का जो बिज़नेस है वो काफ़ी चल रहा है, क्योंकि गर्ल्स को, लेडीज़ को ज्वेलरी का बहुत शौक़ होता है। तो अगर आपको भी इसमें शौक़ है तो आप हैंडमेड ज्वेलरी बनाकर भी इसका भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। तो और अगर आपको ज्वेलरी मेकिंग का काम नहीं भी आता है तो यूट्यूब में ऐसे बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उनके जरिए आप देखकर सीख सकती हैं, सिखा भी सकती हैं। ज्वेलरी मेकिंग का काम आप गर्ल्स को, लेडीज़ को सिखा भी सकती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आज की डेट में, क्योंकि फैशन का दौर है और सभी चाहते हैं कि हम फैशनेबल दिखें, सुंदर दिखें। और गर्ल्स में और लेडीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि हमें सुंदर दिखना है, तो ज्वेलरी की तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आप ज्वेलरीज बना सकती हैं, पॉम पॉम ज्वेलरी बना सकती हैं आप, फ्रेश फ्लावर्स की ज्वेलरी आजकल बहुत डिमांड में है। तो तरह तरह की आप ज्वेलरी बना सकती हैं और ये बिजनेस भी आप कर सकती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आज की डेट में। इसके अलावा आप घर पर बुटीक भी स्टार्ट कर सकती हैं, इसके लिए भी हमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो घर बैठे ही आप अपना बुटीक भी स्टार्ट कर सकती हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है घर बैठे कमाने का। इसके अलावा आप अगर इंटरनेट की जानकारी रखती हैं तो आप अपना खुद का ब्लॉग बना सकती हैं। बस आप में लिखने का हुनर होना चाहिए, चाहे तो आप कुकिंग से रिलेटेड कुछ भी ब्लॉग डालें, या कविताएं, या जो भी लिखने का आप शौक रखती हैं, कहानियां, लघु कथाएं, जो कुछ भी आप लिखती हैं वो अपने ब्लॉग में आप डाल सकती हैं और जानकारी दे सकती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है घर बैठे कमाने का। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि घर बैठे कमाने का एक सबसे अच्छा जरिया हमें प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब हमें देता है। आप यूट्यूब पर अपना चैनल क्रिएट कर सकती हैं, जैसा कि मैंने खुद ने कर रखा है, और उसमें जो भी आपको आता है वो आप पूरी दुनिया को सिखा सकती हैं घर बैठे ही। चाहे आप कुकिंग का चैनल स्टार्ट करें, चाहे आप आर्ट एंड क्राफ्ट का चैनल स्टार्ट करें, या जो भी आप सिखाना चाहते हैं, स्टडी का चैनल भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, फैशन से रिलेटेड चैनल भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, मेकअप से रिलेटेड चैनल भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लॉगिंग का चैनल आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनका चैनल आप बना सकती हैं और घर बैठे ही पूरी दुनिया को अपने हुनर से अवगत करा सकती हैं और बैठे बैठे पैसे भी कमा सकती हैं। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता है, ओनली यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट करना होता है और यूट्यूब के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। जैसे हमारे 1K सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 घंटे हमारे एक साल में कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद हमारी इनकम भी शुरू हो जाती है। और यूट्यूब एक ऐसा जरिया है जहाँ पर आप बिना इन्वेस्ट करके ही पैसा कमा सकती हैं। अदर कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर तो हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, लेकिन यूट्यूब एक ऐसा जरिया है यहाँ पर आप बिना पैसे लगाए इनकम कर सकती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप खुद देख रही हैं, मेरा चैनल आप देख सकते हैं, और भी बहुत सी लेडीज ऐसी हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल निशा मधुलिका जी का एग्ज़ाम्पल ले लें, आप कविता जी का एग्ज़ाम्पल ले लें, उन्होंने अपने कुकिंग के शौक़ को ही अपनी इनकम का जरिया भी बनाया। तो आप खुद देख सकती हैं, इतने बड़े बड़े एग्जांपल्स आपके सामने हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो इसे भी आप अपनी इनकम का जरिया बना सकती हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखती हैं तो आप घर पे ही अपनी नर्सरी बना सकती हैं और पौधों को सेल कर सकती हैं। इसमें आपको बहुत सारी इनकम के सोर्सेज हैं। जैसे आपने नर्सरी तैयार कर ली अपनी, छोटे छोटे पौधे लगाए, उनको सेल करना स्टार्ट कर दिया, साथ ही कलरफुल आप गमले बना सकती हैं, गमलों को पेंट करके सेल करना, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत शौक होता है गमलों का, पौधों का और कलरफुल गमलों का। तो ये काम भी आप घर बैठे कर सकती हैं अगर आपको गार्डनिंग का शौक है। तो आप खाद बना सकते हैं घर पे बैठ के, घर पे उपलब्ध ही सामान से भी आप खाद बना सकते हैं। तो बहुत से ऐसे काम है जो आप घर बैठे ही कर सकती हैं, बस जरूरत है तो थोड़े से कॉन्फिडेंस की और थोड़ा सा माइंड लगाने की। सो फ्रेंड्स, अब बात आती है हम अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे करें।
तो इसका भी बहुत ही आसान सा तरीका है। सोशल मीडिया आज की डेट में किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने का सबसे बड़ा काम करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जो कोई भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करती हैं उसका उसके लिए आप व्हाट्सएप में ग्रुप्स बना सकती हैं, फेसबुक में पेज बना सकती हैं, फेसबुक में भी ग्रुप बना सकती हैं, और उस ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबसे पहले अपनी फ्रेंड्स को, नेबर्स को जोड़ सकती हैं और फैमिली मेम्बर्स को जोड़ सकती हैं। तो इसके थ्रू भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकती हैं और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी बोल सकती हैं, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, कि आप इनमें और मेम्बर्स भी जोड़िए। तो इस तरीके से उसमें मेम्बर्स जोड़ते जाते हैं और ऑटोमेटिक ही आपके जो बिजनेस का जो है प्रमोशन हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक दे दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। और अगर बहुत अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, मिलती हूँ फिर से आपसे एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।